किस्में कितनी है, मुझे ज़हन में आ गया कि विद होल्डिंग टैक्स का आपने नाम, जी जी टैक्स की किस्में कितनी है। मैं तनख्वाहदार हूँ, मुझ पर अगर टैक्स लगेगा तो वो तो पता है कि यार इसकी इतनी तनख्वाह है, ठीक है सर, तो वो काट लेंगे उस हिसाब से। तो जो बिजनेसमैन है उसकी इनकम का किस तरह पता चलेगा? जो रियासत है, जो मुल्क है, जो गवर्नमेंट हुकूमत है, वो मेरी चोरी यानी मैं मेरा जो इनकम टैक्स है मैं वो पूरा नहीं दे रहा, वो इसलिए बर्दाश्त कर लेती है कि यार इसने बाकियों से तो लूट के दे दिया ना, कुछ ना कुछ तो दे, कुछ ना कुछ तो दे दिया, बस हमारा टारगेट पूरा हो गया। यानी आप पाकिस्तान के खाते में थोड़ा बहुत टैक्स दे दें तो बस आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, आपने फर्ज कफाया पूरा कर दिया, जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार शहरी। इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है, अगर कौम की मजमूई इनकम थोड़ी है, अखराजात बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो पूरे का पूरा अगर 100% भी टैक्स ले दें तो क्या उससे मसला हल हो जाएगा? 2013 के अंदर जब मैंने पहले शुरू में काम शुरू किया तो उस साल जो इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट हुई थी वो थी 8.5 लाख पूरे मुल्क में से, पूरे मुल्क 8.5 लाख इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, और ये इस नंबर को 2013 से 2023 तक 10 सालों में अगर आप करें तो 50 लाख तक लेके आए हैं। 2023 की जो एनुअल रिटर्न हैं इनकम टैक्स की वो 4.9 मिलियन समथिंग हुई है, आप इसको राउंड करके 50 लाख ले, 24 करोड़ के मुल्क में 50 लाख लोग टैक्स देते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं किसी के साथ बैठ के प्रोग्राम करूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा आप ही से गुफ्तगू करता हूँ, आप ही मेरे मुखातिब होते हैं, लेकिन ये मसला इस तरह का था, यानी मैं गेस्ट ज़रा कम ये मैं करता हूँ जिसको आजकल पॉडकास्ट कहते हैं, तो लेकिन आज का मसला कुछ इस तरह का था कि एक एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए थी। बड़ा शोर है कि टैक्स बहुत लग गया, टैक्स क्या है बेसिकली, पाकिस्तान में टैक्स कल्चर है कि नहीं है, दुनिया की कोई रियासत टैक्स के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन पाकिस्तान शायद वो उन रियासतों में है जहां पर लोग इसके रहने वाले इसके वासी मिनिमम टैक्स देते हैं। अच्छा, क्यों टैक्स देने का कल्चर क्यों नहीं है पाकिस्तान में? शायद पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का जो शहरी है इसके दरमियान कनेक्शन कोई वीक है, वो वीक कनेक्शन क्यों है ये बहरहाल एक ये पॉलिटिकल साइंस का इशू है जिसका कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही जवाब दे सकता है, लेकिन टैक्स ये जो हालिया दिनों में लगे हैं टैक्स ये क्या है, ये कोई ज्यादती तो नहीं होगी इस कौम के साथ? कौम अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी कर रही है? रियासत कहाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही? टैक्स किसनी कस्म के होते हैं? टैक्स कौन कौन सा होता है? कौन सा टैक्स जो है वो ज्यादती होती है? कौन सा टैक्स जो है वो जस्टिसेबल होता है, जस्टिफाइड होता है? कौन सा टैक्स होना चाहिए, कौन सा टैक्स नहीं होना चाहिए? इन सारे इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, जरगाम बड़ैच साहब। बड़ैच सर, बड़ैच साहब क्या सर, अल्लाह देश के। अच्छा, ये बताएं कि ये एक तो बड़ी मोटी सी बात है ना, टैक्स समझ में आता है कि यार के टैक्स आप देंगे तो आप किसी सोसाइटी का को कारामद भी बना सकते हैं और या रियासत को, सोसाइटी को, और फिर आप उसके फ्रूट्स भी हासिल कर सकते हैं, वरना तो अगर टैक्स नहीं होगा तो सोसाइटी तो शायद या रियासत ना अच्छी सोसाइटी बन सकती है ना रियासत चल सकती है। लेकिन इसके बावजूद टैक्स बहरहाल देना बड़ा मुश्किल काम है, क्यों टैक्स देन दे लुकी क्यों मतलब अमादा नहीं होते? जी सर, मैं थोड़ा जहा पहले तुम बैकग्राउंड दे देना वा कि जरा इन्ना शोर पिया, जो इतना शोर मचा हुआ है कि जी बजट में इतने टैक्सेस लग गए और ये बहुत ज्यादती होगी, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? जी सर देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हम लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, खा हम पिछले 75 सालों से ही मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं, मगर हमारा मुश्किल अच्छा वक्त हमारा वो मुश्किल मोड़ जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मगर बात यह है कि इस वक्त हमें अगले 3 से 4 सालों में 100 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग चाहिए IMF से, ठीक है, और एडमिटेडली इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, हुकूमत की अपने बयान है और वो ये कह रही है कि हमें अगले 3 से 4 साल में 100 अरब की रीफाइनेंसिंग चाहिए होगी।
अच्छा, अब इन हालात के अंदर आपने जो भी बजट बनाना है वो आपने आईएमएफ की शराकतदारी से बनाना है, आप आईएमएफ के बगैर बजट नहीं बना सकते। जब आप मकरूज होते हैं, जब आपने किसी का पैसा देना होता है, तो आप उससे पूछे बगैर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगले ने अपना इंटरेस्ट देखना है कि मैंने अपना पैसा कैसे वापस लेना। अच्छा सर, अब पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था, उसमें पाकिस्तान में एफपीआर का जो टैक्स का टारगेट था वो था 9,252 अरब का, ये इन्होंने 9,311 अरब कलेक्शन कर ली जून के अंदर। फिर बड़े केक भी काटे गए, मुबारकबादें भी दी गई जी कि हमने अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया। अच्छा, मगर सर अगर हम इसको मंथ वाइज इसकी कलेक्शन एफबीआर की कलेक्शन देखें ना, तो सर ये एवरेज 500, 600, 700 अरब रही है 11 महीने। ठीक है, मई तक आपकी टोटल कलेक्शन थी 8,126 अरब की, और आप अपने टारगेट से पीछे जा रहे थे। ठीक है, और जून के एक महीने में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। फिर जून के अंदर सिर्फ एक मंथ में आपकी 1185 अरब की कलेक्शन होती है, और वो जो 1185 अरब की कलेक्शन के बाद आप 9,311 अरब कलेक्ट कर लेते हैं, वो सिर्फ आपने इस साल का टारगेट अचीव करने के लिए फिगर्स तो दिखा दी। अच्छा, मैं एक याद भी बात पूछना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जो टैक्स होता है वो कुछ कमाने पे होता है ना सर। अच्छा, क्या पाकिस्तानियों की कमाई इतनी है कि उसके ऊपर टैक्स, मतलब ये कि अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ सर, तो या तो ना कि मैं 1,000 रुपया कमा रहा हूँ, उसमें मेरे जो जो है वो अखराजात जो है वो भी पूरे हो रहे हैं और मुझे टैक्स भी नहीं दुख रहा, या ये जो मैं इनकम के ऊपर जो टैक्स होता सर, है, अगर कौम की मजमुई इनकम थोड़ी है, अखराजात बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो पूरे का पूरा अगर 100% भी टैक्स ले रहे हैं, तो क्या उससे मसला हल हो जाएगा सर? मसला या इनकम किस तरह बढ़ सकती है सर? देखें, इनकम तो इनकम हुकूमत की इनकम बढ़नी है टैक्स बढ़ाने से। हाँ, अवाम की इनकम बढ़ानी है उनको रिलीफ दे के। अब अभी मैं बजट पे, अगर इस साल के बजट के ऊपर अगर आ जाऊं, तो एक जो इन्होंने, हम तनख्वाहदार तबके से शुरू कर लेते हैं, तनख्वाहदार तबके को हर बजट के अंदर ही निशाना इसलिए बनाया जाता है कि तनख्वाहदार तबके को तनख्वाह टैक्स कटौती के बाद मिलती है। अच्छा, जो टैक्स काटते हैं जी, वो टैक्स आगे दे देते हैं? वो आगे दे देते हैं, दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें जो टैक्स काट रहे होते हैं, वो जब अपने एम्प्लॉयज़ का टैक्स काट कर आगे जमा करवाते हैं, तो वो एक तरफ से उनकी भी प्रोफाइल में हो रहा होता है कि जी ये इतनी विद होल्डिंग जमा करवा रहे हैं। यहाँ पे तो बड़ी बातें मशहूर है कि फलां कंपनी टैक्स काट लेती है, आगे सरकार को जमा नहीं करती। नहीं सर, जो जो एम्प्लॉयज का है ना, वो जमा हो जाता है। अच्छा, जो जो विदहोल्डिंग है ना, उसके अंदर उतनी हेरा फेरी करना मुश्किल है, क्योंकि वो दो पार्टीज। अच्छा, मैं इसको सादा करते हैं ताकि मुझे भी समझ आए, देखने वालों की समझ आए। टैक्स की किस्में कितनी है? मुझे ज़हन में आ गया कि विदहोल्डिंग टैक्स का आपने नाम। जी जी, टैक्स की किस्में कितनी है सर? एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक आम आदमी ने जो कमाई कर रहा है वो अपनी आमदनी के ऊपर डायरेक्टली देगा, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है, एक आदमी अगर महीने का 1,00,000 रुपया और साल का अगर 12,00,000 रुपया कमा रहा है, तो उसने अपनी कमाई 12,00,000 के ऊपर टैक्स देना है, जो डायरेक्टली उसकी आमदनी के ऊपर। ये तनख्वाहदार, बिजनेसमैन, मतलब जो भी हैं, चाहे वो कारोबारी हजरात हैं, चाहे कोई तनख्वाहदार है, वो जितनी आमदनी डिक्लेयर कर रहा है या कमा रहा है, उसके ऊपर उसने ये इनकम टैक्स देना है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या? अब इनडायरेक्ट टैक्स सर, ये जो सेल टैक्स होता है, जिसको आम अल्फाज में लोग जनरल टैक्स, सेल टैक्स भी कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, जिस तरह आपको जो हर चीज़ के ऊपर, जो भी आप चीज़ परचेज करते हैं मार्केट से, आपको उसके ऊपर एक्सक्लूडिंग अमाउंट, सेल टैक्स अमाउंट और इंक्लूसिव अमाउंट नज़र आती है।
अब ये जो GST है, जिसको जो जनरल सेल टैक्स है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स हम इसलिए कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से नहीं दे रहा होता। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने एक चीज बनाई, उसने ये पेन बनाया, ठीक है, उसने कहा जी मेरी सारी लागत के बाद मैं अगर ये 100 रुपए की बेचूंगा तो मुझे कुछ 4 पैसे बचेंगे। ठीक है, वो इसकी कीमत उसने 100 रुपया रखी। ठीक है, अब इस 100 रुपए के ऊपर वो 18% GST ऐड करेगा, वो 118 रुपए का हो गया। अब ये 118 रुपए का बिकेगा, ठीक है, मगर ये जो 18 रुपए है ये एंड कंज्यूमर दे रहा है। ठीक है, वो पूरी एक साइकिल है, मैं समझाने के लिए आसान अल्फाज में कह रहा हूँ कि वो मैन्युफैक्चरर को 18% एंड कंज्यूमर ने पे किया। ठीक है, वो चार्ज एंड कंज्यूमर को होगा। ठीक है, वो बिजनेसमैन की या मैन्युफैक्चरर की अपनी जेब से नहीं गया। ठीक है, उसने सरकार को जमा करा, उसने सिर्फ एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जनरल सेल टैक्स एक कानूनी लाइबिलिटी को उसने फुलफिल किया, उसने चार्ज किया, एंड कंज्यूमर से कलेक्ट किया और जमा करा दिया। ये हर महीने जो मैन्युफैक्चरिंग जितनी बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है, जो सेल्स टैक्सेबल होती है, उसके ऊपर 18% कलेक्ट करके एंड कंज्यूमर से हुकूमत को जमा करवा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि बिजनेसमैन डायरेक्टली बढ़ती है, इसी से महंगाई बढ़ती है सर। और ये क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट आ रहा होता है एंड कंज्यूमर के ऊपर, इन्फ्लेशन बढ़ने का बाइस ये बनता है। बेसिकली तो आपसे ये पाकिस्तानी होने का आपके ऊपर जुर्माना लगता है। जुर्माना लगता है, ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि अच्छा, हम तो जो मैन्युफैक्चरर है सर, वो अपना टैक्स कैसे देता है? अपना टैक्स वो देता है इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स, टैक्स है। अच्छा, अब वो गेज किस तरह करते हैं? मैं तनख्वाहदार हूँ, मुझ पर अगर टैक्स लगेगा तो वो तो पता है कि यार इसकी इतनी तनख्वाह है सर। ठीक है सर, तो वो काट लेंगे उस हिसाब से। तो जो बिजनेसमैन है उसकी इनकम का किस तरह पता चलेगा? सर हमारे इधर ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो जितनी खुद कह देगा उतनी जी, सेल्फ असेसमेंट स्कीम कहते हैं इसको। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, सेक्शन 120 जो है वो डीम्ड असेसमेंट का सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। मैं ये मोबाइल बनाता हूं जी, मैं 1 लाख मोबाइल 1 साल में सेल करता हूं और इससे लोगों से टैक्स लेता हूँ सेल टैक्स के नाम के ऊपर, और आप सरकार हैं, आपको जमा करा देता हूँ, आप मुझसे हो गए खुश कि मैंने आपका काम आसान कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, नाकाम हूँ, नाकाम। आपने अब मुझसे पूछा कभी तुमने कितना टैक्स कमाया? मैंने कहा जी मैंने पैसे कमाए। मैंने कहा जी मेरी तो मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं बड़ा यतीम हूँ, मेरी फैक्ट्री नहीं चलती, मैं मर गया, लुट गया, लॉस में जा रहा हूँ, खर्चे बहुत बढ़ गए, बिजली के बिल बहुत आ गए, गैस बहुत महंगी हो गई। ठीक है, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। अब ये मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये आप किस तरह चेक करेंगे, आप सरकार पाकिस्तान? सर इसमें या मेरी बात को आप कुरान हदीस समझेंगे और कहेंगे कि जी के नहीं वेरी गुड, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है सर यही हो रहा है 90% जब एक बंदा 120 में डीम्ड असेसमेंट कर लेता है, अपनी रिटर्न सबमिट कर देता है, तो 90% ऐसी असेसमेंट्स हैं जो खुल ओपन नहीं होती अमेंडमेंट के लिए। 10% का 2018 की टैक्स ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2018 की हमारी लास्ट FBR वालों ने बैलेटिंग की थी, ऑडिट की। ठीक, ऑडिट की बैलेटिंग में रैंडमली कंप्यूटर जो है वो कुछ रिस्क पैरामीटर्स के ऊपर जितनी भी रिटर्नें फाइल हुई होती थी वो उसमें से कुछ 9 या 10% एंटीएंस को सिलेक्ट कर लेता था कि जी इनका आप रैंडमली ऑडिट करके चेक करें, कि क्योंकि वही आपकी वाली बात है कि मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने इतना कमाया तो क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। देखिए ना, बात ये है कि ये रिकॉर्ड तो आपके पास आ गया ना कि यार सेल टैक्स जो है इसने 1 लाख मोबाइल बेचा है और उसके ऊपर 18% जितना सेल टैक्स बनता था सर वो भी पूरा वो साबित हो गया। नहीं, मैं वो दो नंबर की बाद में बात करते हैं, वो साबित हो गया जो कागजों में है कि यार वैसे तो जाली इनवॉइस भी बन जाती है ना, मैंने 1 लाख बेचे हो और मैं जनाब 18% जो कॉम से लिया है, अपने खरीदारों से लिया है या जो मेरे कंज्यूमर है उनसे लिया है, वो भी मैं इनवॉइस जाली बना लूं, जाली कागज बना लूं कि मैं जनाब मैंने तो 1 लाख नहीं बेचे, मैंने 10,000 बेचे, 18% वो भी मैं खा गया और ये जो इसके ऊपर आपको जाने थे वो भी मैं खा गया। ऐसे ही हो ना, दो जगह से चोरी हुई, इनके साथ भी आपके साथ सरकार के साथ
और अगर फर्ज करें कि मैंने यहां पर 1 लाख बेचा है, मैं 10,000 कह रहा हूं, तो यार अगर मैं 10,000 कह रहा हूं तो 10,000 का तो रिकॉर्ड आ गया ना आपके पास, इसी तरह तो क्या सरकार वो 10,000 जो जाली झूठ बोल के मैंने बताया आपको वो टैक्स ले लेती है उनसे कि उस पर भी फ्रॉड होता है? सर नहीं, अगर 1 लाख बिका है और 10,000 अगर वो डिक्लेयर शो कर रहा कर है ना तो उसके ऊपर तो चला जाता है, 10,000 के ऊपर चल दस रहा है, हजार के ऊपर चला जाता है। ठीक है, कि उसके ऊपर भी वो कहता है कि मेरा लॉस हो गया, मेरे बिजली के बिल जाने आ गए, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। सर देखें, सेल टैक्स तो चला गया 18%, हाँ ठीक है। अब जो इनकम टैक्स की बात है, वो भी उतने 10,000 के ऊपर भी वो मिनिमम के ऊपर कुछ ना कुछ दे देता है, मगर जो असल जो चोरी हो रही होती है या जो असल एवेजन हो रही होती है या जो असल अंडर डिक्लेरेशन हो रही होती है वही हो रही होती है कि जो 1 लाख बिका है और डिक्लेयर 10,000 हुआ, 10,000 हो, और हम उससे उससे और सारी आप चीजें इंटरकनेक्टेड और है। जो रियासत है, जो मुल्क है, जो गवर्नमेंट हुकूमत है, वो मेरी चोरी यानी कि मैं मेरा जो इनकम टैक्स है मैं वो पूरा नहीं दे रहा, वो इसलिए बर्दाश्त कर लेती है कि यार इसने बाकियों से तो लूट के दे दिया ना मुझे, कुछ ना कुछ तो दे कुछ दिया, ना कुछ तो दे दिया हमारा बस। टारगेट पूरा हो गया। यानी आप पाकिस्तान के खाते में थोड़ा बहुत टैक्स दे दें तो बस आप आप एक जिम्मेदार आपने शहरी फर्ज हैं, कफाया पूरा कर दिया, आप एक जिम्मेदार शहरी है, जिम्मेदार शहरी हैं। जितनी मर्जी चोरी कर लें, टैक्स एविजन। आप पिछले साल से कोई 2%, 4%, 5% अपना टैक्सेस की कलेक्शन बढ़ा रहे हैं ना, तो हत्तल इमकान कोशिश है कि आपकी ऑडिट में सिलेक्शन ना हो, वो वैसे कहें कि यार वैसे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो चोरी पहले से ज़्यादा कर रहा हो, हाँ मगर क्योंकि कलेक्शन पिछले, ये कंपैरिजन किस तरह करते हैं जो कि पिछले साल इसने 2,000 दिया था, अब इस ये दफा 2100 2500 दे दे दिया है, दिया या पच्चीस 2100 2500, 2-400 रुपए ऐसे बढ़ाया ही है ना, बढ़ाए। बढ़ाया ही है ना, चलो ठीक है, चंगा बंदा है, तो जान दे। बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो खांचा है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, ये बात है दोनों उसका। दोनों दोनों चीज देखो, कि देखें इनडायरेक्ट में खांचा लगता है, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट का खांचा आप रोक लें, अगर 1 लाख का मोबाइल, 1 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स बिक रहे हैं किसी चीज़ के और आप 10,000 डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो पूरी डिक्लेरेशन भी एक्यूरेट हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो अल्टीमेटली आपकी इनकम टैक्स की कलेक्शन भी तो देखें ना वो कहाँ पे जाएगी, क्योंकि आपने 1 लाख मोबाइल डिक्लेयर किए 10,000, 90,000 का आप सेल टैक्स भी खा गए, और अगर वो 90,000 आपने अपना सेल डिक्लेयर की होती तो आपका इनकम टैक्स भी ज़्यादा बनना था। अगर हमारी ये डिक्लेरेशन इधर से ये वाली चीज भी पकड़ी जाए तो उधर से इनकम टैक्स कलेक्शन भी कहाँ पहुंच अच्छा, जाए। इनकम टैक्स कलेक्शन में क्या रुकावट है? एक तो असेसमेंट वाली बात हो गई कि जी वो झूठो झूठ चुतारी, दूसरी सर देखें, एक जो सबसे बड़ी बात है ना देखे हमारी ना, जो कोई ना कोई हमारा जो भी पाकिस्तानी है वो कुछ ना कमा रहा है ना, कमाने के हमारे जराए क्या हैं, मोटे मोटे दो चार ही है ना, यानी या मुलाजमत करेंगे या कारोबार करेंगे, कारोबार कर रहे तीसरी कोई चीज अभी तक तो ईजाद नहीं हुई, हैं तो मुलाजमत जो कर रहा है वो उसका तो तनख्वाह में कट जाएगा, जी। जो कारोबार कर रहा है उसको टैक्स नेट में किस तरह हम लेके आ सकते, यानी कि सर उसके रहमो करम पे छोड़ने के बजाय रियासत किस तरह उससे पूरा सही टैक्स वसूल कर सकती सर देखिए, अभी अभी मसला पता क्या है, मैं 2013 से इस फील्ड में हूँ और मैं हम टैक्स और कॉरपोरेट के अलावा मैंने कभी कोई काम नहीं किया। है। 2013 के अंदर जब मैंने पहले शुरू में काम शुरू किया तो उस साल जो इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट हुई थी वो थी 8.5 लाख पूरे मुल्क में से, पूरे मुल्क में से पूरे मुल्क से 8.5 लाख इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न, ठीक है। अच्छा, और ये इस नंबर को 2013 से 2023 तक 10 सालों में अगर आप करें तो 50 लाख तक लेके आए हैं ये। 2023 की जो एनुअल रिटर्न्स हैं इनकम टैक्स की वो 4.9 मिलियन समथिंग हुई है, आप उसको राउंड करके 50 लाख कह यानी लें, 24 करोड़ के मुल्क में 50 लाख लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते ठीक हैं। है। और जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड बंदों की तादाद है वो सिर्फ 2 लाख से ऊपर नीचे है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर जो मुल्क में मैन्युफैक्चरर्स हैं ठीक है। हाँ या होलसेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिटेलर हैं,
ये एक मैंने एक बेसिक सा एक आपको साइकिल बताई है। जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है वो सिर्फ 2 लाख बनता है, यानी कि बाकी जितनी फैक्ट्रियां जो कुछ भी है वो कच्चा काम कर रहे हैं। कच्चा काम वो कैसे? कच्चा काम सर, कच्चा काम का मतलब कि वो किसी इस टैक्सेबल नेट के अंदर नहीं आ रहे, वो मैन्युफैक्चरर से भी कच्चे पे माल खरीदते हैं। ये हुकूमत ने अखंड पट्टी बनी है सर। देखिए पता क्या है, हम लोगों का अलमिया ये है कि हम लोग वो जो 50 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, यार आप साहब लगाएं, ये 24 करोड़ का मुल्क है। 24 करोड़ का मुल्क है। 24 करोड़ मुल्क में हम सिर्फ 50 लाख हैं जो टैक्स देते हैं। और सर अच्छा, इसमें मजे की बात बताऊं, ये जो 50 लाख आपको मैंने रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद भी बताई है ना, इसमें से भी अगर आप इसको डीपली जाके इसका एनालिसिस करें या इसका स्टडी करें, तो इस 50 लाख बंदों में से आपको 25 लाख ऐसे मिलेंगे जो तनख्वाहदार हैं और उन्होंने फाइलर होने के लिए रिटर्न सबमिट कर दी, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी टैक्स काट के जमा हुआ है। ठीक है, उनको ना वो कोई एवेजन कर सकते हैं, ना वो कोई अंडर डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ना वो कोई मिस डिक्लेरेशन कर सकते हैं। सही। पीछे 25 लाख के अंदर से भी आपको आधे से ज्यादा बंदे वो मिलेंगे जो सिर्फ नील को या बिलो टैक्सेबल, जिन्होंने टैक्स कोई नहीं दिया। सही। उन्होंने जिस अमाउंट से ऊपर टैक्स लगना था उससे नीचे नीचे अमाउंट की रिटर्न भर दी कि मैं सिर्फ फाइलर हो जाऊं, मेरा स्टेटस फाइलर का हो जाए। फाइलर नॉन फाइलर ये भी क्या साइंस है? फाइलर वो है जो टैक्स देने की कोशिश करता है, जो रिटर्न फाइल करता है, जिसने अपनी रिटर्न फाइल की है। रिटर्न क्या होती है? एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको हम इनकम टैक्स गोशवारा कहते हैं। वो हर शहरी के ऊपर फर्ज, जिसका शनाख्ती कार्ड बना है। हाँ, जो जो सुन ले बात, एक मोटी सी बात है, जिसका शनाख्ती कार्ड एक नंबर जारी किया है रियासत पाकिस्तान जी, उस पर ये बाइंडिंग क्यों नहीं है कि वो अपना टैक्स जो है वो बताए कि मैं कितना मैंने साल में कमाया और कितना मैंने नहीं कमाया? देखें, कानून के अंदर तो ये मौजूद है कि हर शहरी जो सालाना 6 लाख मतलब महाना 50,000 से ज़्यादा आमदनी कमा रहा है, उस पे फर्ज है कि वो रजिस्टर भी होगा और अपनी इनकम टैक्स का गोशवारा अगर जमा नहीं होता तो उसका क्या इलाज? उसको रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस इशू किया जाता है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख के कोशिश की जाती है कि इम्प्लीमेंट किया जाए कि ये फाइलर होके अपने रिटर्न में टैक्स नेट में आ जाए। अच्छा देखिए, बात ये है कि एक गाड़ी ने चलना है तो उसके लिए पेट्रोल जरूरी है, यानी कि ईंधन बड़ा जरूरी है। जी सर, रियासत के चलने के लिए जो ईंधन है वो टैक्स है, तो जो गाड़ी चलाने वाले हैं, जो रियासत के मशीनरी, रियासती मशीनरी जो हुकूमत है, हुकूमत हम लोग भी बनाते हैं, उन परवाह ही नहीं कि ईंधन कितों पूरा करना है, किस तरह करना है, यानी कितों तो मराद ये कि प्रॉपर कहाँ से लेना है, बेहतरी कहाँ पे लाई जा सकती है। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि हम लोगों का एक अलमिया ये है कि हम लोगों की हमेशा से कोशिश ये रही है कि जो 50 लाख बंदा इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवा रहा है या जो 2 लाख बंदा सेल टैक्स की रिटर्न जमा करवा रहा है, हम इन्हीं बंदों को निचोड़ते रहें, इन्हीं को झंझोड़ते रहें, इन्हीं के साथ कसूनमुखी होते रहें। इस हुकूमत ने जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे, बार बार कहते थे कि जी के आम लोग तो बड़ी कुर्बानी दे चुके, अब जो है वो अशराफिया कुर्बानी देगी, तो एक तो ये बताएं कि इसमें अशराफिया कितना टैक्स देती है? और वैसे ही 50 लाख है यार, और 50 लाख में भी आप बता रहे हैं कि सिर्फ 25 लाख हैं, और 25 लाख में भी आधे से ज्यादा वो हैं वो जो सिर्फ टैक्स रिटर्न देते हैं, अपने आप को कहते हैं हमारी आमदनी उतनी नहीं है, 5 लाख से कम कमाते हैं, 6 लाख से कम कमाते हैं, हम टैक्स देने के काबिल नहीं है। लेकिन चूंकि हम फाइलर हैं, यानी कि सिस्टम में आ गए हैं कि सिस्टम हमें कोई रुकावट ना डाले जी, तो ये मुझे बताएं कि ये जो गवर्नमेंट है इसने टैक्स नेट को, जिस तरह आपने अभी कहा कि जो लोग टैक्स देते हैं उन्हीं को निचोड़ रहे हैं, तो टैक्स नेट को बढ़ाने के तरीके क्या क्या हो सकते थे हैं और इस हुकूमत ने क्या किया? अच्छा सर, ये अप्रैल में ना हुकूमत ने एक ताजर दोस्त स्कीम अनाउंस की थी,
उन्होंने ताजरों को कहा था जी कि आप स्कीम के तहत रजिस्टर हों और हम आपके बिजली के बिलों में कम से कम महीने का जो उसकी एक पूरी स्कीम थी, मैं उस कॉम्प्लिकेशन में या उसकी उस पे नहीं जाता कि वो क्या एप्लीकेबिलिटी किस तरह होनी थी, मगर एक छोटे दुकानदार को उसमें बिजली के बिल में महाना 200 रुपया लग के आना था, जो सालाना जो है वो 2400 रुपया बनता। तो कि जी आप रजिस्टर हों, हम आपसे ये इतना लेंगे मिनिमम और आप हमारी स्कीम में रजिस्टर हों। मगर उस स्कीम की अनाउंसमेंट के अगले दिन ही ताजिर बरादरी ने उस स्कीम को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया जी कि हम इस स्कीम को नहीं मानते। यानी साल का 2400 रुपया नहीं देने, सर मसला 2400 रुपये देने का नहीं है, मसला टैक्स नेट में आने का। टैक्स नेट में आएगा सर जब तक आप अपनी आवाम को ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि यार मेरे साथ का जो रजिस्टर हुआ था ना, उसको दूसरे तीसरे साल कोई ऑडिट का नोटिस आ गया तो वो उसने कुछ उसके टैक्स, चाहे उसने सब कुछ ठीक भी दिया था, फिर भी उसको कुछ ना कुछ टैक्स और इधर उधर खर्चे पड़ गए। आप जब तक अपनी आवाम को या ताजिर को बिजनेसमैन को ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना, आप एक फिक्स टैक्स कर दें, आप एक फ्लैट रेट लगा दें, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे अपने कम्युनिटी को, बिजनेस कम्युनिटी को ये इंश्योर कर दें कि यार आपने कच्चा काम नहीं करना, आपने कैश का काम नहीं करना, आप बैंक में काम करें, आपके बैंक में जितना पैसा आएगा उसका 1% या 2% हमें टैक्स दे दें। लेट्स सपोज अगर 1 करोड़ रुपया साल में आया, आप 1 लाख रुपया हमें दे दें, हम आपसे नहीं पूछेंगे उस 1 करोड़ के आने से आपने 10 लाख कमाया या 50 लाख कमाया। अच्छा हम आपको तंग नहीं करेंगे, आपका कोई ऑडिट नहीं होगा, आपको कोई अनड्यू हरास नहीं किया जाएगा, आपके जो है वो FBR के ऑफिशियल आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। अगर आप इतनी श्योरिटी अगर ताजिर बरादरी को दे देना, तो मसला 200 रुपया महाना देने का नहीं है, 10,000 भी महाना दे देंगे अगर उनको ये पता होगा कि मुझे कोई आके तंग नहीं करेगा। ठीक है सर, ये जो जो रेज अच्छा नहीं, एक और देखे ना, FBR वाले आते हैं, वो कहते हैं आपको 1 लाख रुपया टैक्स आया, हाँ जी, तो आप मुझे 20,000 रुपया दें तो टैक्स खत्म, मैं आपको 5,000 का टैक्स नोटिस जारी कर दूंगा। ये बात भी दुरुस्त है कि ये बातें मेरी सर देखें, ये होता तो इसी तरह ही है, मतलब कि आप इसको सबको पता है ये चीज़ें किस तरह चलती हैं। ठीक है, मगर देखें वो जो 1 लाख रुपए का अगर कोई आगे कोई कहता ना जी कि आपको इतना टैक्स आया, तो वो एक तो पहले ही उसको बढ़ा चढ़ा के किया होता है, और वो जब उसको 5,000 करता है ना, तो वो उसको पता होता है कि मैंने पहले ही इसके साथ ज्यादती की थी। 1 लाख रुपए का अगर मैंने इसको नोटिस भेजा था, उसने भेजा ही इसलिए था कि मैं 1 लाख का नोटिस भेजूंगा तो कुछ 4 पैसे मुझे भी आएंगे और शायद कुछ 4 पैसे सरकार को भी चले जाए। ठीक है, तो मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि ये जो ये चीज़ है ना, ये जो इन्वॉल्वमेंट है एक टैक्स पेयर की और एक FBR के दरमियान, ये जो एक इस तरह का ये जो ताल्लुक है ना, इस ताल्लुक को फेयर होना चाहिए। ये ठीक है, ताल्लुक जब तक फेयर नहीं होगा, हम थोड़ा लोग रिफॉर्म रिफॉर्म कर रहे थे FBR सर को, वो देखें आपकी रीस्ट्रक्चरिंग क्या इतराज़? रीस्ट्रक्चरिंग थी, फिर कहते हैं जी हम डिजिटाइजेशन करेंगे। देखें सर, इतना बड़ा महकमा आप FBR का पाल रहे हैं, FBR का महकमे का आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी वैसे इस हुकूमत ने काफ़ी प्रेशर बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाएंगे कि आप उसको सर देखें, ठीक हर करना बंदे लगेगा? अगर ठीक कर, अगर आप ये इन चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखें सर ये इंकलाब जो है वो एक पूरी नस्ल ख़त्म करके आता है, तो ये भी जो इंकलाब है ये पूरा फिर महकमा ख़त्म करके आपको चीज़ें ठीक करनी है तो कर लेंगे। महकमा ठीक है, यानी कि आप, यानी गंध खत्म करने के लिए बेसिकली आपको FBR पूरा खत्म करना पड़ेगा, या उसके नवे अंदर बंदे किसको लगाते हो? यही तो मसाइल है सर, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यही तो चीज़ें हैं कि ये इन चीज़ों को आप जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, तब तक ये चीज़ें आपको इसी तरह चलानी पड़ेंगी। अभी वैसे इस हुकूमत ने पिछले ये 2-4 महीनों के अंदर बहुत से अफसरों के, आपने भी, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों को, बहुत से अफसरों को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, पोस्टिंग की है और साइड लाइन की है, और वो इसी बेसिस के ऊपर हो रही हैं कि चीज़ें बेहतर करना चाह रही है हुकूमत FBR की हद तक,
कि ये जो FBR की ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं इनको बेहतर किया जाए। कल परसों भी एक नोटिफिकेशन आया ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का, तो वो ये चीज़ें तो वो बेहतर करने की कोशिश कर हर हुकूमत करती है और करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप इस इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे आप बेहतर नहीं कर सकते। अच्छा, ये नहीं, एक तो ये है कि FBR को आपको ठीक करना पड़ेगा, मोटी बात आप मोटी बात ये है कि बेसिकली जिन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है वो इंसान के बच्चे हों सर, हराम खाने से ज़रा परहेज करें सर, बच्चों को यानी इखलाकी तरबियत की ज़रूरत है सर। तो इखलाकियात तो इस कौम की जो है वो तो वो है कि ना यहाँ पे बच्चों के लिए दूध खालिस मिलता, वो भी केमिकल पूरे का पूरा, और वो क्या कहते हैं जिंदगी बचाने वाली अद्वियात वो भी जाली मिलती। तो ये तो मसला समझ में आ गया। अब मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमने इस कौम को बड़ा निचोड़ लिया, अब अशराफिया की बारी है। अशराफिया के ऊपर की किया सर, इस बजट में अशराफिया को फर्क पड़ा सर? अशराफिया को तो देखें, अशराफिया को ये कर ही नहीं सकते। अच्छा, मकसद क्या है? अशराफिया तनख्वाहदार नहीं है। ठीक है, ठीक है, जाहिर है उन्होंने तनख्वाह देनी है लोगों को, उन्होंने देनी है। ठीक है, ठीक है सर, अशराफिया ने देना है अपनी मर्जी से सेल्फ असेसमेंट के तहत इनकम टैक्स। ये सेल्फ असेसमेंट खत्म करके और कोई निजाम लाया सर? नहीं, इतनी जल्दी नहीं लाया जा सकता। ये सेल्फ बाकी ममालिक में क्या सेल्फ असेसमेंट ही चलती है हर जगह पे, अमेरिका तक में सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, मगर उधर मैयर्स के हैं। हाँ। उनकी उनकी जो इकॉनमी है वो सारी डॉक्यूमेंटेड है। उधर आपको कैश के ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगी। उधर आपके किसी भी सिटीजन के अकाउंट में कैश डिपॉजिट अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होता है वो उधर चेक हाईलाइट हो जाते हैं, उधर रेड फ्लैग हाईलाइट हो जाते हैं कि ये बंदे के पास कैश कहाँ से आ गया, ये क्यों अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। कैश डिपॉजिट नहीं होता, उसको पूरी अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। उधर की पूरी इकॉनमी बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, और जब सारी इकॉनमी आपकी या बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू होने लग जाए तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को फेयर असेस कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम बैंकिंग को वैसे आराम समझते हैं सर। देखें, अब ये तो बड़ा अजीब सी स्टेटमेंट हो जाएगी कि हराम हलाल, ये तो अजीब है ना मैं सर। देखें, सूद वो भी एक सर एक अलहदा बहस है। हाँ। अब देखें, आपने बैंक में सेठ हाबल का नाम सुना सर? सेठ हाबिल साहब जो थे ना वो कहते थे कि मैं 5% ज़कात देता हूँ, नहीं 2% 2.5% 2.5% मैं पूरी ज़कात देता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, अब मैं टैक्स कोई नहीं देना। उनको ना जस्टिस रमदे साहब मिल गए एयरपोर्ट के ऊपर, तो रमदे साहब को जब तारफ हुआ ना कि जी ये सेठ हाबिल है, तो उन्होंने कहा तू ये गल की थी? उन्होंने कहा हाँ की थी। उन्होंने उनको कहते मैंने साइड पर उठा लिया और मैंने उनको कुरान के और मैंने उनको कहा कि ये टैक्स देना जरूरी। तो फिर वो कहते हैं कि वो उस पर कायल हुए, मेरे मुंह के ऊपर हुए कायल, बाद में हुए कि सर देखें हमने ढकोसले भी बनाए होते हैं ना, ये हराम है, ये हमने नहीं करना, ये वो नहीं करना। सर देखें, हम लोग हराम, उसने कहा था ना हेलमेट पहनो भाई, तो वो ने कहा मैं मामा उतार के हेलमेट पहनू, गर्दन उतरवा दूंगा, हेलमेट नहीं पहनूंगा यार। तो ये भी बराबर इस कौम का मसला है। सर देखें, हमारा अल्लाह माफ करे, हमारी माफ करे हर चीज को, हम लोग सिर्फ उस चीज को हराम समझते हैं, पता नहीं ये बात अब मुझे कहनी चाहिए नहीं, कि जिसमें हमारा नुकसान हो रहा हो। चले, हम ये इशू नहीं है, हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो मैं असेसमेंट की आप बात कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे थे, तो अब उसको शफाफ बनाने का क्या तरीका? इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए जितना, जिस हद तक इसको डॉक्यूमेंट किया जा सकता, उसका तरीका कार क्या है? ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह अभी इस बजट के अंदर इन्होंने ये ताज रिटेलर्स को टारगेट किया एक स्पेसिफिकली एक तरह से, कि मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में भी सेल टैक्स में भी। सही। अब मैन्युफैक्चरर आगे माल बेचता है अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को, अब डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं इनकम टैक्स में भी सेल टैक्स में भी। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेचता है रिटेलर्स को। ठीक है, ये जो करियाने की दुकानें होती हैं, ये छोटी मोटी जो जनरल स्टोर कह ले हैं, वो भी तो सेल टैक्स ले रहे होते हैं ना। मैं सर उसी तरफ आ रहा हूँ, वो अब जो डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर्स को बेच रहा होता है ना, ये जो रिटेलर्स है ना, ये एक बहुत बड़ा जंक है जो अनरजिस्टर्ड है। ये 95% आपको अनरजिस्टर्ड मिलेगा। मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर आपको
60-70% रजिस्टर्ड मिलेगा, क्योंकि उनके लिए अनरजिस्टर्ड काम करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया हुआ। ठीक है, मगर रिटेलर्स जो हैं वो अभी तक अनरजिस्टर्ड काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बजट के अंदर इन्होंने ये कर दिया कि जी जो रिटेलर दुकानदार अनरजिस्टर है, मतलब नॉन फाइलर है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको 2.5% इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स लागू करेगा, चार्ज करेगा, उससे लेगा और हमें देगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने मुझे माल बेचा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने आगे इस अपने टेरिटरी में, ये है सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं जो इनकम टैक्स है ये तो डायरेक्ट टैक्स है। नहीं नहीं, ये देखे ना, जो रिटेलर है वो तो वो माल बेच रहा है जो उसको फैक्ट्री से मिला, डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से रिटेलर के पास है, तो अब वो इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है जी, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है सेल टैक्स, वो सेल टैक्स, वो सेल टैक्स के जरिए डायरेक्ट टैक्स लेने की कोशिश करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं सर, वो या उनको उसके जरिए नेट में लेके आना, नेट में लेके आना चाह रहे हैं। ओके, क्योंकि वो जब एक दफा ये रिटेलर का 2.5% अगर एडवांस इनकम टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट करके जमा करवाने लग जाता है ना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी इनकम टैक्स में भी रजिस्टर है, सेल टैक्स में भी रजिस्टर है, जो रिटेलर्स हैं वो अनरजिस्टर है, वो ना सेल टैक्स में रजिस्टर है ना इनकम टैक्स में रजिस्टर है। ठीक है, अच्छा, अब जब डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल बेचेगा एक रिटेलर को, वो 2.5% चार्ज करेगा, पहले उसको एक चीज़ आती थी 100 रुपये की, वो 105 या 110 रुपये की बेचता था, जो उसका मार्जिन था, अब वो उसको आनी है 102.5 रुपये की। ठीक है, उसका मार्जिन 2.5 रुपये कम हो रहा है, 2.5% कम हो रहा है, वो उसको बचाने के लिए कोशिश करेगा कि मैं फाइलर हूँ। मेरी बात सुन, वो तो ये पेन है, ये उसको मिलेगा, जिसने बनाया उसने 100 रुपये का बनाया, 18 रुपये उसने टैक्स लगा दिया इसके ऊपर, अब जो नॉन फाइलर इसको खरीदेगा उसको मिलेगा 120 रुपये, 121 का उसको मिलेगा जो नॉन फाइलर होगा। हाँ, ऐसे ही है, तो नॉन फाइलर जो है वो आगे जाके बेच देगा, उन्होंने 120 रुपये मुझसे ले लेगा। नहीं, वो दरअसल ये जो रिटेलर से जो चीजें बिक रही होती है ना एक दुकान के ऊपर, मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर कीमत प्रिंट होती है। ठीक है, कि जी ये 118 रुपये की बिकनी है, हाँ, या 120 रुपये की बिकनी है। ठीक है, पहले वो उनको आ रही होती थी 110 रुपये की। ठीक है, और वो बेच रहे थे 118 या 120 रुपये की। ठीक है, मुनाफा रख के, अब वो उनको पड़ जानी है 112-113 रुपये की। ठीक है, उनका मार्जिन कम हो रहा है, उनका मार्जिन कम हो रहा है, वो आगे उसकी कीमत जो है वो एज इट इज है। असल ये हिट करने का मकसद ये था कि रिटेलर्स का मार्जिन कम होगा, वो कोशिश करेंगे कि हम टैक्स नेट में आए, हम फाइलर हों, क्योंकि अगर वो फाइलर हो जाते हैं तो 2% सीधा सीधा निकल जाएगा, फिर सिर्फ 0.5% है, आधा फीसद। अच्छा, क्या ये भी मुमकिन है कि जो सेल परचेज है, मिसाल के तौर के ऊपर मैं रिटेलर हूँ, मैंने जनाब चावल खरीदने हैं अकबरी मंडी से आपसे, तो मैंने उसकी जो पेमेंट है वो मैं आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर करूँ कैश ना, इसको यकीनी किस तरह बनाया जा सकता है? सर देखें, ये भी ना टू वे है काम, क्योंकि वो जो खरीदेगा जो एंड कंज्यूमर है, मैं हूँ जो कंज्यूमर, मैंने वो जो चावल खरीदने हैं, मैंने तो रिटेलर को तो देना है कैश, तो या तो फिर आप जो रिटेलर्स हैं कानून बना दें कि वहां पर भी कानून तो मौजूद है, कानून तो मौजूद है कि 50,000 मोबाइल वाले को जो चाइना में सिस्टम है कि हाँ जी, वो आप स्कैन करते हैं और वो पेमेंट ट्रांसफर होती है वन टच के आर जो कोड पता नहीं क्या कहते हैं, हां क्यूआर कोड। सर कानून तो मौजूद है कि 50,000 से ऊपर की जो भी कोई खरीदारी है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, मगर कानून होने के बावजूद ये इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे अंदर भी तो चोर है ना। मैं कौन सा अपना 1,00,000 मोबाइल बेच के 1,00,000 पूरा डिक्लेयर कर रहा हूँ,
जो मैं आपको कहूँ कि मुझे सारा पैसा बैंक में इसका दे। हल ये है कि एफबीआर ठीक हो, एफबीआर भी ठीक हो, टैक्स नेट को देखें। अभी ये रिटेलर वाली बात अगर मैं मुकम्मल करूँ, हाँ। अब रिटेलर अगर फाइलर हो जाता है, रिटेलर अगर फाइलर हो जाता है, टैक्स नेट में आ जाता है, उससे क्या होगा कि वो फाइलर होने से वो टैक्स नेट में आ गया। अब उसकी जो सेल परचेज हो रही है वो अपनी डिक्लेयर कर रहा है, इधर से मैन्युफैक्चरर भी डिक्लेयर कर रहा है। अब और फिर रिटेलर जब एक साल में अगर 1 लाख से ऊपर का विदहोल्डिंग टैक्स किसी रिटेलर का जमा होता है, तो वो फिर लायबल है कि वो सेल टैक्स में भी रजिस्टर हो। दरअसल ये कानून अच्छे बना रही है ये हुकूमत, या शुरू से कानून अच्छे ही बनते रहे हैं, उन अगर वो इम्प्लीमेंट होना शुरू एग्जीक्यूशन की है। एग्जीक्यूटर ही जो गंद अगर हो तो फिर क्या करेंगे। मैं इसकी एक मिसाल आपको भी दूंगा। आप दुकान खोलें अपने मोहल्ले में, छोटी सी परचून की, दूसरे दिन आपके पास कोई 18 महकमों के अहलकार आ जाएंगे और वो आके आपको लंबे लंबे कवानीन सुनाएंगे, बोर्ड इतना होना चाहिए, आपने फलां जगह पे रजिस्टर होना है, फलां जगह पे रजिस्टर होना है। बेसिकली वो जो 18 महकमों के जितने अहलकार आ रहे हैं वो आपसे अपनी दिहाड़ी लेने आ रहे हैं, तो बेसिकली तो आपको मेरा ख्याल है इनकार करना चाहिए सर, और वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। तो बेसिकली स्टेट के करने वाले काम बाहर बाहर के ममालिक में क्या होता है कि अगर कोई नया बिजनेस या कोई एंटरप्राइज शुरू हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने की कोशिश करती है कि यार इसको थोड़ा सा हौसला दो ताकि ये स्टेबल होके काम कर सके। हमारे यहाँ पे हर बंदे की कोशिश ये होती है कि खोलो दिहाड़ी लाओ, नहीं ये बंद करा दो। ओके, ये रियासत का चलन ही इस तरह का, महकमे इतने को उसको डरा ही इतना को दियो कि यार तू इधर भी रजिस्टर हो, इधर भी हो, इधर हो, नहीं तो इतने सानू दे दे। एग्जैक्टली अपनी दिहाड़ी ला रहे हैं ना, अपनी दिहाड़ी लगा रहे होते हैं। तो बेसिकली मसला जो है, पता नहीं अब आपको इतनी टैक्स की समझ आई नहीं आई, लेकिन मुझे काफ़ी सारी आई है। तो इंशाल्लाह जरगाम साहब आपका बड़ा शुक्रिया, और मेरा ख्याल है हमें इस पे एक और भी करना चाहिए जी सर, क्योंकि मैंने जो आप बताना चाह रहे थे वो मैं दरमियान में आपको उचक लेता था क्योंकि मैं ज्यादा समझना चाह रहा था सर। तो एक सेशन हम रखते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बड़ा जल्दी रख लेते हैं, ठीक है सर, ताकि आप जो है वो इसको और थोड़ा सा आसान करके समझाएं। ठीक है, अभी तो मेरे अपने जो है ना गुबार बहुत सी अंदर दिल था वो मैंने निकाल लिया। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जरगाम बड़ा साहब के साथ फिर इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।